हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। स्ट्रगल से कभी भी क्या है डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। तो हमेशा स्ट्रगल के लिए कभी भी ऐसा नहीं है कि डर जाओ और आप मेहनत ही ना करो। तो अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो अपने स्ट्रगल के दिन लोगों को बताओगे कि कैसे हमने स्ट्रगल किया और कैसे हम सक्सेसफुल हुए। इसलिए हमेशा मेहनत करते रहो। आज हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन में टीकाकरण में कितने टीके होते हैं और कैसे दिए जाते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं टीकाकरण। इम्यूनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं टीकाकरण। हिंदी में इसे टीकाकरण कहते हैं। तो इम्यूनाइजेशन क्या है? ए प्रोसेस बाई विच ए पर्सन बिकम प्रोटेक्ट अगेंस्ट ए डिजीज, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ए डिजीज थ्रू द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के द्वारा किसी भी डिजीज के खिलाफ क्या किया जाए, प्रोटेक्शन किया जाए। तो टीकाकरण हिंदी में देखिए, ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा टीकाकरण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से सुरक्षित हो जाता है। इसमें टीकाकरण करने पे कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से सुरक्षित हो जाता है। तो टीकाकरण में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से सुरक्षित हो जाता है। तो पर्टिकुलर बीमारी के लिए अलग अलग टीके दिए जाते हैं, पर्टिकुलर बीमारी के लिए अलग अलग टीके दिए जाते हैं। अलग अलग टीके दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा टीकाकरण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से सुरक्षित हो जाता है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, प्रतिक्रिया है, बाई विच ए पर्सन बिकम प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज। क्या प्रोटेक्शन मिलता है किसके खिलाफ, अगेंस्ट द डिजीज, डिजीज के बीमारी के खिलाफ प्रोटेक्शन मिलता है किसके द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा, टीकाकरण के द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा इसमें प्रोटेक्शन मिलता है। तो सबसे पहले जो वैक्सीनेशन को प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, इसको शॉर्ट में EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन वाज लॉन्च इन 1978। ये कब लॉन्च हुआ, 1978 के अंदर लॉन्च हुआ। तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है वो लॉन्च हुआ 1978 के अंदर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा सकता है। अभी जो NHM के एग्जाम होने वाले हैं, ANM एंड GNM के, उसमें ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज की जो क्लास है वो जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन वाज लॉन्च इन 1978 और इट वाज रीनेम एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, उसका नाम चेंज कर दिया गया, रीनेम किया गया इसका नाम। तो इसका नाम फिर बाद में रखा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसका बाद में नाम रख दिया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और ये लॉन्च कब हुआ था, तो 1978 में। और जब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UPI, इसको शॉर्ट में बोलते हैं UPI, ठीक है, इसको UPI बोलते हैं शॉर्ट में, उसको EPI बोलते हैं। तो इज वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ये 1985 में लॉन्च हुआ। ये कैसे, कब लॉन्च हुआ, तो ये हुआ 1985 में और ये हुआ 1978 के अंदर, ठीक है। तो ये भी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि UPI कब लॉन्च हुआ, तो वो 1985 के अंदर लॉन्च हुआ।
और उसका नाम चेंज करके रीनेम रख दिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी वैक्सीनेशन आती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में इट बिकम ए पार्ट ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम इन 1992। और जो ये था इट बिकम अ पार्ट, ये किसका पार्ट बन गया, चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम का भी पार्ट बन गया 1992 के अंदर, 1992 के अंदर। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये कब इसका पार्ट बना, तो चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम इन 1992 के अंदर इज करंटली वन ऑफ द की अराइज अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सिंस 2005। और ये करंटली किसमें, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM 2005 से इसका की है, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट है द प्रोग्राम नाउ कंसिस्ट ऑफ वैक्सीनेशन फॉर 12 डिजीज, ये जो प्रोग्राम है वो कितनी डिजीज के लिए है, जो 12 डिजीज के लिए इस प्रोग्राम को चलाया जाता है, 12 डिजीज है, कितनी डिजीज है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये प्रोग्राम है कितनी डिजीज के लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है, तो 12 डिजीज के लिए, 12 डिजीज के लिए इस प्रोग्राम में वैक्सीनेशन में इस टीकाकरण द्वारा 12 डिजीज से बचाया जा सकता है, 12 डिजीज है। तो 12 डिजीज कौन सी है, तो सबसे पहली जो डिजीज है वो है ट्यूबरक्लोसिस, जो सबसे पहली डिजीज है वो है आपके ट्यूबरक्लोसिस, सबसे पहली जो डिजीज है वो है ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद में सेकंड मोस्ट डिजीज है वो है डिप्थीरिया, तीसरी जो डिजीज है वो है पर्टुसिस, तीसरी डिजीज है वो पर्टुसिस, जिसको हूफिंग कप के नाम से भी जानते हैं, इसको सॉरी इसको हूफिंग कप के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में चौथी जो डिजीज है वो है टिटनस, चौथी जो डिजीज है वो है टिटनस। उसके बाद में पांचवी डिजीज है वो है पोलियोमेलाइटिस, यानी पोलियो की डिजीज, पांचवी है पोलियो। उसके बाद में छह नंबर है आपके मीजल्स, छह नंबर है मीजल्स, और सात नंबर है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी सात नंबर। उसके बाद में आठ नंबर है रोटावायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये रोटा वायरस जो डायरिया वाली डिजीज है उसके लिए यूज में ली जाती है, रोटा वैक्सीन दी जाती है। उसके बाद में है जापानीज एनसेफलाइटिस, जापानीज एनसेफलाइटिस नौ नंबर। दस नंबर है रूबेला, ग्यारह नंबर है निमोनिया, इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई टाइप बी आता है, इसके अंदर आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई टाइप बी, इसको हिप के नाम से भी शॉर्ट में हिप के नाम से जानते हैं, हिप वैक्सीन दी जाती है, ये पेंटावेलेंट के साथ में आती है। उसके बाद में 12 नंबर है आपके न्यूमोकोकल डिजीज, कौन सी है, न्यूमोकोकल डिजीज, न्यूमोकोकल डिजीज आती है न्यूमोकोकल निमोनिया एंड मेनिनजाइटिस के लिए, ये जो डिजीज इसके डिजीज न्यूमोकोकल निमोनिया और मेनिनजाइटिस के लिए इसका यूज किया जाता है, न्यूमोकोकल निमोनिया और मेनिनजाइटिस, न्यूमोकोकल निमोनिया और मेनिनजाइटिस, ठीक है। तो ये 12 डिजीज है जिससे क्या करते हैं, जिससे वैक्सीनेशन के द्वारा इन 12 डिजीज से बचाया जाता है, इन 12 डिजीज से क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है, इस प्रोग्राम के अंदर 12 डिजीज के खिलाफ वैक्सीनेशन दी जाती है। तो सबसे पहले नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आता है सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं, तो प्रेग्नेंट को टीटी फर्स्ट सेकेंड और बूस्टर डोज दी जाती है। तो ये सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडी के लिए पढ़ते हैं, सबसे पहले
प्रेग्नेंट लेडी के लिए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट है टीटी फर्स्ट, इसके अंदर है टीटी फर्स्ट, टीटी फर्स्ट। तो ये लगता है अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर, ये कब लगता है अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर, टीटी फर्स्ट लगता है अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर लगता है, जब पता चले प्रेगनेंसी अचीव कर लिए तब अर्ली प्रेगनेंसी कहलाता है। गिव एज अर्ली पॉसिबल इन प्रेगनेंसी, कितनी डोज लगती है 0.5 ml, 0.5 ml डोज लगती है इसके अंदर, और इसको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती, नो डाइल्यूशन। और कैसे लगता है, आईएम लगता है इंट्रामस्कुलर, और कहाँ लगता है अपर आर्म पे लगता है, ठीक है अपर आर्म पे लगता है। तो ये कहाँ लगता है, अपर आर्म पे लगता है, ये अपर आर्म पे लगता है। उसके बाद में टीटी सेकंड कब लगता है, जस्ट प्रेगनेंसी का फर्स्ट टीका लगा उसके चार वीक बाद में, आफ्टर फर्स्ट टीका जब लग गया उसके चार वीक बाद में, मतलब एक महीने बाद में, चार सप्ताह बाद में दिया जाता है। सेम डोज लगती है 0.5 ml, सेम डोज लगती है 0.5 ml, और इसे भी डायल्यूट नहीं किया जाता, नो डायल्यूशन। इंट्रामस्कुलर लगता है, सेम जगह लगता है, अपर आर्म पे लगता है, ठीक है, ये भी आईएम लगता है और अपर आर्म पे लगता है। उसके बाद में टीटी बूस्टर कब दिया जाता है, इफ रिसीव 2 TT डोज, अगर 2 TT डोज ले ली है ये डोज इन प्रेगनेंसी विद इन लास्ट थ्री ईयर के अंदर 2 डोज ली गई है, वापस प्रेगनेंसी होती है और लास्ट 3 ईयर के अंदर 2 डोज ली गई है, तो सीधी क्या लग जाती है, बूस्टर डोज लगती है। कितनी लगती है, 0.5 ml लगती है, 0.5 ml, और सेम नो डाइल्यूशन, और आईएम लगती है इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म पर लगती है, ये भी अपर आर्म पे लगती है। तो ये टीटी की जो तीनों फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड बूस्टर डोज, ये तीनों अपर आर्म पे ही लगती है। तो फर्स्ट टीका कब लगता है, जब जैसे ही पता चले कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, उसके तुरंत बाद में फर्स्ट टीका लग जाता है, उसके जस्ट एक महीने बाद के अंदर सेकंड टीका लगता है। अगर प्रेगनेंसी 3 साल के अंदर वापस अचीव होती है तो बूस्टर डोज लगती है सीधी, तो तब लगती है जब 2 टीके लगे हुए हों, तो सीधी बूस्टर डोज लगती है लास्ट 3 ईयर के अंदर। नेक्स्ट है आपके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट के लिए क्या, एक मिनट थोड़ा पेज का सेटअप कर लेते हैं।
तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट, इन्फेंट के लिए क्या है? तो सबसे पहले जो वैक्सीन लगती है, वो है बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन कब लगती है? एट बार लगती है। सबसे पहले जो वैक्सीन लगती है वह है बीसीजी, एट बार लगती है, टिल वन ईयर। और कब तक लग सकती है? वन ईयर तक लग सकती है। और कितनी देते हैं? 0.05 ml वन मंथ के अंदर अंदर देनी है, तो 0.05 ml, यानी एट बर्थ ही देनी चाहिए, वैसे जन्म होते ही लगा देनी चाहिए। और अगर वन मंथ के बाद में देते हैं तो 0.1 ml एक साल तक दे सकते हैं, 0.1 ml एक साल तक दे सकते हैं। उसके बाद में सप्लाई, डाइल्यूटेड सप्लाई आती है, सोडियम क्लोराइड इसके अंदर आता है। ये कैसे लगता है? आईडी लगता है, इंट्राडर्मल लगता है, और लेफ्ट अपर आर्म पे लगता है। कि कहां पे लगता है? अपर आर्म पे, वो भी लेफ्ट, लेफ्ट अपर आर्म पे लगता है, जिसका परमानेंट स्कार हो जाता है। तो बीसीजी ये किससे बताता है? ये वैक्सीन है जो टीबी से बताता है, टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है, उस डिजीज से बताता है। एट बर्थ दे सकते हैं, वन ईयर तक लगा सकते हैं, एट बर्थ अगर नहीं दिया तो वन ईयर तक लगा सकते हैं। अगर जन्म के टाइम देना है तो 0.05 ml देते हैं, 0.05 ml देते हैं। और अगर एट बर्थ नहीं लगाया है तो उसके बाद में डीपीटी के साथ में या पेंटावेलेंट के अगली वैक्सीन के साथ में इसको कितना 0.1 ml दे सकते हैं। वो ये डाइल्यूटेड रहता है, सोडियम क्लोराइड इसके अंदर जो ये सप्लाई रहती है उसके अंदर ये डाइल्यूटेड रहता है, इसे डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। ये इंट्राडर्मल दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? आईडी दिया जाता है इंट्राडर्मल, और ये लेफ्ट अपर आर्म पे दिया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म पे। यहाँ पे परमानेंट स्कार हो जाता है, इसका एक परमानेंट स्कार हो जाता है जो टीबी की डिजीज से बचाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में सेकंड है हेपेटाइटिस बी, एट बर्थ दिया जाता है, ये भी एट बर्थ दिया जाता है जन्म के टाइम, विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 आवर के अंदर अंदर। उसके बाद में इसकी भी डोज जो होती है 0.5 ml, इसकी डोज जो होती है 0.5 ml, इसमें डाइल्यूशन, नो डाइल्यूशन, इसके अंदर डाइल्यूशन यस डाइल्यूशन लगता है ना, डाइल्यूशन लगता है। उसके बाद में इसके अंदर नो डाइल्यूशन, ये इंट्रामस्कुलर आयम दिया जाता है, ठीक है। ये कैसे दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर मतलब आयम दिया जाता है। और ये कैसे, ये कहाँ पे लगता है? एंट्रोलेटरल साइड मिड थाई, यानी लेफ्ट की जो थाई है, लेफ्ट थाई है, उसके एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, पे ये इंजेक्शन लगता है। हेपेटाइटिस का इंजेक्शन कहाँ लगता है? एंट्रोलेटरल ऑफ मिड थाई, वो भी लेफ्ट साइड में, ये भी लेफ्ट साइड में लगता है, तो एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई पे हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगता है। उसके बाद में जन्म के टाइम एक और वैक्सीन दी सकती है, वो है ओपीवी, ओपीवी की जीरो डोज एट बर्थ दी जा सकती है, ये भी जन्म के टाइम एट बर्थ, और विद इन द फर्स्ट
15 डे, जो 15 डेज है उसके अंदर अंदर दे दी जानी चाहिए। कितनी ड्रॉप? दो ड्रॉप, दो ड्रॉप, दो दो ड्रॉप, दो ड्रॉप। इसमें भी डाइल्यूशन नहीं होता है। उसके बाद में ओरली दी जाती है। ये कैसे दी जाती है? ओरली दी जाती है, ओरली दी जाती है, मुंह से दी जाती है, मतलब ओरल से दी जाती है। दो बूंद दी जाती है, ओरली दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ओपीवी, वापस जीरो डोज देने के बाद में ओपीवी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ओपीवी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ओपीवी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों डोज है वो कब दी जाती है? 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे। 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे। 6 वीक, 10 और 14 वीक पे। 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे दी जाती है। और ये कब तक दी जाती है? 5 ईयर से पहले पहले। और इसमें भी दो ड्रॉप देते हैं, इसमें भी ओरल की दो ही ड्रॉप देते हैं, दो ड्रॉप, दो ड्रॉप ओरली दी जाती है। कैसे? रूट कैसे दिया जाता है? ओरली। उसके बाद में आता है पेंटावेलेंट। इसके बाद में आता है पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट जो है ये दिया जाता है, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट की फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसकी 3 डोज लगती है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसकी भी 3 डोज लगती है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेंटावेलेंट है जो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हिप इनके लिए देता है। इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इन डिजीज के लिए दिया जाता है। ये कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजीज के लिए दिया जाता है। ये 5 डिजीज के लिए दिया जाता है। तो पेंटावेलेंट के अंदर आता है डिप्थीरिया। पेंटावेलेंट के अंदर कौन कौन सी डिजीज के लिए आता है वैक्सीन? पेंटावेलेंट में यानी 5 के लिए, तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस और हेपेटाइटिस बी और हिप ये आता है। तो ये भी 6, 10, 14 के वीक पे लगता है। 6, 10, 14 वीक पे लगता है। ये भी 6, 10, 14 वीक पे लगता है। 1 ईयर तक लगा सकते हैं। और 0.5 ml इसकी जो डोज है, 0.5 ml दी जाती है। और इसका डाइल्यूशन नहीं लगता, नो डाइल्यूशन। और इंट्रामस्कुलर ये भी IM दिया जाता है। और ये कहाँ दिया जाता है? एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट आर्म। ये भी एंट्रोलेटरल थाई ऑफ मिड थाई, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, एंट्रो जो एंटीरियर साइड है उसके लेटरल साइड में मिड थाई पे लगता है। और वो भी लेफ्ट, लेफ्ट मिड थाई पे लगता है। उसके बाद में है फ्रिक्शनल IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, फ्रिक्शन IPV। इसको FIPV भी बोलते हैं, FIPV, इसको FIPV भी बोलते हैं। इसको फ्रिक्शनल, इसकी जो फुल फॉर्म होती है फ्रिक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, फ्रिक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो ये कब दी जाती है? एट 6 और 14 वीक पे दी जाती है। एट 6 और 14 वीक पे दी जाती है। ये 6 और 14 वीक पे दी जाती है, 1 साल के अंदर अंदर। कितनी दी जाती है? 0.1 ml, 0.1 ml दी जाती है। और डाइल्यूशन, नो डाइल्यूशन। और उसके बाद में कैसे दी जाती है? ये इंट्राडर्मल दी जाती है। कैसे दी जाती है? ये इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल दी जाती है, इंट्राडर्मल दी जाती है। और अपर आर्म पे लगती है, अपर आर्म, राइट अपर आर्म पे लगती है। ये राइट अपर आर्म पे लगती है। कहाँ पे लगती है? अपर आर्म, वो भी कौन सा? राइट, राइट अपर आर्म पे लगती है। ठीक है, अपर आर्म पे लगती है, राइट अपर आर्म पे लगती है। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो कि इंट्राडर्मल दी जाती है और 6 और 14 वीक पे दी जाती है, 1 साल के अंदर अंदर देते हैं। और
इसकी जो फुल फॉर्म होती है आईपीवी, इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन। अब है रोटा, रोटा वायरस के लिए रोटा वैक्सीन, रोटा 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 वीक कब दी जाती है? 6, 10, 14 वीक पे दी जाती है। ये भी 6, 10, 14 वीक पे दी जाती है रोटा की जो वैक्सीन है, रोटा वायरस की वैक्सीन है। और ये एज ऑफ 1 ईयर तक दे सकते हैं। इसकी 5 ड्रॉप दी जाती है। इसकी कितनी ड्रॉप दी जाती है? 5 ड्रॉप। पोलियो की 2 ड्रॉप दी जाती है, इसकी 5। इसमें डायल्यूशन नहीं लगता, नो डायल्यूशन। और ये भी ओरली दी जाती है। ये भी कैसे दी जाती है? ओरली दी जाती है, माउथ से दी जाती है। 5 बूंदे दी जाती है पोलियो के अंदर, 2 दी जाती है, लेकिन इसके अंदर 5 बूंदे दी जाती है रोटा वायरस के अंदर, ठीक है। उसके बाद में है न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, पीसीवी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? पीसीवी। इसको पीसीवी बोलते हैं, न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन। ये कब दी जाती है? ये 6 वीक पे दी जाती है, 14 पे, और 8-9 कॉम्प्लिकेटेड मंथ ऑफ बूस्टर, और कभी कभी 9 पे भी दी जाती है। तो 6 और 14 पे दी जाती है न्यूमोकोकल पीसीवी की जो वैक्सीन है, न्यूमोकोकल कंजुगेटिव वैक्सीन। ये 6 और 14 वीक पे दी जाती है, और 8-9 कॉम्प्लिकेटेड मंथ बूस्टर। इस टाइम भी बूस्टर डोज लगती है। 9 पे कब लगती है? बूस्टर डोज लग जाती है। तो ये 1 साल के अंदर अंदर दी जाती है। 0.5 ml लगती है। इसकी भी डोज जो है 0.5 ml लगती है। इसकी भी डोज 0.5 ml लगती है, और इसमें नो डाइल्यूशन, इसमें कोई भी डाइल्यूशन नहीं होता। और ये भी इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर दी जाती है। और इंट्रामस्कुलर कहाँ दी जाती है? एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, राइट साइड में। ये राइट साइड में लगती है, बाकी लेफ्ट में लग रही थी, अब ये राइट साइड में लग रही है। एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, राइट साइड में, ठीक है। ये कहाँ लग रही है? एंट्रोलेटरल साइड, राइट साइड में, राइट साइड में, एंट्रोलेटरल थाई ऑफ मिड थाई ऑफ, ये राइट साइड में लगेगी। उसके बाद में मिजल्स, ये लगता है 9 मंथ पे लगता है। मिजल्स रूबेला फर्स्ट वैक डोज, मिजल्स की रूबेला की फर्स्ट डोज लगती है। कितने? 9 मंथ पर, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में, 12 मंथ के अंदर अंदर दी जा सकती है। ये एज 5 ईयर तक दे सकते हैं। 0.5 ml, 0.5 ml, ये इसको डाइल्यूशन लगता है। इससे किसे डाइल्यूट कर सकते हैं? स्टराइल वाटर के साथ में डाइल्यूट कर सकते हैं। इसे डाइल्यूट करने की जरूरत पड़ती है, ये डाइल्यूट फॉर्म में नहीं आती, इसे डाइल्यूट करना पड़ता है। तो इसको स्टराइल वाटर के साथ में डाइल्यूट कर सकते हैं। ये कैसे लगती है? सबक्यूटेनियस लगती है, सबक्यूटेनियस लगती है। ये सबक्यूटेनियस लगती है, कहां पे लगती है? राइट अपर आर्म पे लगती है, राइट, राइट अपर आर्म, ये राइट अपर आर्म पे लगती है, सबक्यूटेनियस लगती है। 0.5 ml लगती है मीजल्स की, 9 मंथ कंप्लीट होने पे लगती है। उसके बाद में जापानीज एनसेफेलाइटिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस भी कहाँ कब लगती है? 8-9 मंथ पे लगती है, और 12 मंथ तक दे सकते हैं। इसकी एज जो है 15 ईयर तक है, 15 ईयर तक लग सकती है। 0.5 ml, 5 ml, 0.5 ml देती है। इसको भी डायल्यूशन की जरूरत पड़ती है, इसे डायल्यूट किया जाता है फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन के साथ में, इसे डाइल्यूट किया जाता है। इसे कैसे, किस सॉल्यूशन के साथ में डाइल्यूट किया जाता है? फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन के साथ में डाइल्यूट किया जाता है। ये भी सबक्यूटेनियस दी जाती है, ये भी सबक्यूटेनियस दी जाती है, SC दी जाती है। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है SC, ठीक है, शॉर्ट में। और ये भी अपर आर्म, ये अपर आर्म लेफ्ट साइड में लगती है, ये अपर आर्म लेफ्ट साइड में लगती है, लेफ्ट साइड में लगी, ये राइट साइड में लगती है मिजल्स, और ये लेफ्ट साइड में लगती है जापानीज एनसेफेलाइटिस। उसके बाद में विटामिन ए की डोज, विटामिन ए की फर्स्ट डोज 9 मंथ पे दी जाती है, और 5 ईयर तक दी जाती है, ठीक है। 1 लाख यूनिट, 1 ml 9 मंथ पे देते हैं, 9 मंथ पे फर्स्ट डोज देते हैं, 1 लाख यूनिट देते हैं, मतलब 1 ml देते हैं। ओरली दी जाती है, ये भी कैसे दी जाती है? ओरली दी जाती है। विटामिन ए की जो डोज है वो 1 ml दी जाती है, 9 मंथ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में हर 6-6 महीने से
दो दो लाख यूनिट देते हैं, उसके बाद में हर छः छः महीने से दो दो लाख यूनिट देते हैं। पेंटावेलेंट वैक्सीन, अभी जो मैं बीच में पढ़ रहा था कि पेंटावेलेंट वैक्सीन कब कब दी जाती है, पेंटावेलेंट वैक्सीन 6, 4, 10, इसमें पांच जो डिजीज है, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हिप। हिप होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिप की फुल फॉर्म होती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। इसके अंदर पांच डिजीज के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पेंटावेलेंट। ये इसके पहले क्या लगता था, पहले इससे पहले जो डीपीटी की वैक्सीन लगती थी, डीपीटी डिप्थीरिया पर्टोसिस टिटनस, उसकी जगह आजकल ये पेंटावेलेंट आ गया। पेंटावेलेंट में पांच वैक्सीन आती है, इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया गया है, जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एडमिशन अलग से की जाती थी। पहले डीपीटी की वैक्सीन दी जाती थी और हेपेटाइटिस बी की अलग से वैक्सीन दी जाती थी, बी की अलग से वैक्सीन लगती थी, तो अब इसको साथ में शामिल कर दिया गया, एक इसको उन पांचों को साथ में मिला के एक पेंटावेलेंट के साथ में दी जाती। पहले ये अलग अलग दी जाती थी, डीपीटी की अलग दी जाती थी, हेपेटाइटिस बी की अलग दी जाती थी और हिप की नहीं देते थे, अब एक साथ में देते हैं। उसके बाद में ये तो हो गया था इन्फेंट के लिए, अब है चिल्ड्रन के लिए बूस्टर डोज। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर चिल्ड्रन, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर चिल्ड्रन, इसके अंदर आता है डीपीटी फर्स्ट बूस्टर। इसकी बूस्टर कब दी जाती है, तो डीपीटी फर्स्ट बूस्टर कब दी जाती है, डीपीटी बूस्टर फर्स्ट, इसमें बूस्टर फर्स्ट है। बूस्टर फर्स्ट जो है 16 से 24 मंथ में दी जाती है, 16 से 24 मंथ में दी जाती है, 7 साल तक दे सकते हैं, मैक्सिमम जो एज है वो 7 साल है। उसके बाद में ये भी 0.5 ml लगती है, 0.5 ml डाइल्यूशन, नो डाइल्यूशन लगता है। इंट्रामस्कुलर दी जाती है, आईएम दी जाती है, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में लगती है, लेफ्ट साइड में लगती है, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट साइड में लगती है। उसके बाद में मीजल्स और रूबेला की सेकेंड डोज, इसकी जो सेकेंड डोज है वो कब लगती है, वो लगती है 16 से 24 मंथ पे, 16 से 24 मंथ पे लगती है, 5 ईयर तक लगा सकते हैं। उसके बाद में 5 ml 0.5 ml लगती है ये भी, और इसमें डाइल्यूशन जरूरत पड़ती है, यस, स्टराइल वाटर से इसे डाइल्यूट किया जाता है, सब्क्यूट दिया जाता है और अपर आर्म राइट साइड के अपर आर्म पे दिया जाता है, राइट साइड के अपर आर्म पे दिया जाता है, इसे सब्क्यूट दिया जाता है। उसके बाद में ओपीवी की बूस्टर डोज 16 से 24 मंथ में दी जाती है, 5 साल तक दे सकते हैं, 2 ड्रॉप देते हैं इसके अंदर, नो डाइल्यूशन, ओरली दी जाती है। उसके बाद में जापानी एनसेफेलाइटिस की जो सेकंड डोज है वो 16 से 24 मंथ में लगती है, फर्स्ट डोज तो बताया था 9 में, उसके बाद में ये 16 से 24 पे उसे 15 साल तक दे सकते हैं, इसकी 0.5 ml डोज लगती है, इसकी जो डोज है वो 0.5 ml लगती है। फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन के साथ में इसे डाइल्यूट किया जाता है, इसका डाइल्यूशन, यस, डाइल्यूशन किया जाता है, सबक्यूट लगती है, ये भी जो जापानी एनसेफेलाइटिस है वो सबक्यूट लगती है, और कहाँ पे लगती है, लेफ्ट अपर आर्म पे लगती है। उसके बाद में विटामिन ए की जो सेकेंड डोज है
वो फर्स्ट डोज होती है 9 मंथ में स्टार्ट होती है, सेकेंड डोज जो है वो 16 मंथ, देन 16 मंथ से स्टार्ट वापिस, फिर सेकेंड डोज कब लगती है 16वें मंथ पे लगती है, ठीक है 16वें मंथ पे लगती है। उसके बाद में 16 मंथ के बाद में हर 6 महीने से दी जाती है, हर 6 महीने से 2 ml देते हैं यानी 2 लाख यूनिट, और 5 साल तक देते हैं। कब तक देते हैं? 5 साल तक देते हैं, 5 साल तक देते हैं, 2 ml देते हैं हर साल, हर 6 महीने से 2-2 ml देते जाते हैं, और ओरली देते हैं, मुंह से देते हैं, ओरली माउथ से देते हैं। उसके बाद में DPT बूस्टर सेकेंड, बूस्टर फर्स्ट तो थी 16 से 24, एज सेकेंड जो है बूस्टर सेकेंड डोज, बूस्टर की जो सेकेंड डोज है वो 5 से 6 ईयर तक, 5 से 6 ईयर में लगती है, 7 साल तक दे सकते हैं, 7 साल तक दे सकते हैं, 0.5 ml ही देते हैं ये भी, इसमें डायल्यूशन नहीं लगता है, नो डायल्यूशन, इंट्रामस्कुलर IM ही लगता है ये भी, अपर आर्म पे लगता है। उसके बाद में TT टिटनस जो है वो 10 साल में लग सकता है, 16 साल पे लग सकता है, ठीक है 10 साल पे और 16 साल पे लगाना है, 16 साल तक लगा सकते हैं, 0.5 ml लगाते हैं, नो डायल्यूशन, IM दिया जाता है और अपर आर्म पे दिया जाता है। तो ये था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसके अंदर जो है सारी वैक्सीन बता दी गई है। एक बार TT फर्स्ट प्रॉपरली एट द, वापिस थोड़ा सा देख लेते हैं TT फर्स्ट कब लगती है, तो TT फर्स्ट प्रॉपरली एट फर्स्ट विजिट, फर्स्ट विजिट हुआ जब, उसी टाइम TT फर्स्ट की डोज दे दी जाती है, जब फर्स्ट विजिट हुआ तभी, फर्स्ट विजिट के टाइम, फर्स्ट विजिट के टाइम, फर्स्ट विजिट के टाइम जब पता चला कि प्रेग्नेंट हो गई है उसी टाइम, अर्ली प्रेगनेंसी, जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चला उसी टाइम TT फर्स्ट की डोज लग जाती है, TT फर्स्ट उसके जस्ट 1 महीने बाद यानी 4 वीक बाद, जिससे TT सेकेंड लगती है। TT सेकेंड कब लगती है, तो TT सेकेंड जस्ट 1 महीने बाद में, TT सेकेंड इफ TT फर्स्ट प्रॉपरली बिफोर 36 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। उसके बाद में TT बूस्टर कब लगती है, TT बूस्टर फॉर वुमेन हु हैव रिसीव TT सेकेंड विद इन लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर्स के अंदर अगर उसने TT सेकेंड लगा के रखा है तो उसे TT बूस्टर देंगे। उसके बाद में इन्फेंट एंड चिल्ड्रन के अंदर, तो एट बर्थ जन्म के टाइम कौन कौन सी देते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था जन्म के टाइम कौन सी देते हैं, OPV देते हैं 0 डोज, BCG देते हैं और हेपेटाइटिस बी देते हैं, ये 3 एट बर्थ देते हैं, जन्म के टाइम देते हैं, 0.5 ml देते हैं, वो सारा मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में 6 वीक पर कौन कौन सी देते हैं, 6 वीक पर OPV फर्स्ट देते हैं, IPV देते हैं, FIPV देते हैं, FIPV फ्रिक्शनल इनएक्टेड पोलियो वैक्सीन, पेंटावेलेंट देते हैं 6 वीक पे, कौन कौन सी देते हैं, पेंटावेलेंट देते हैं जो 5 डिजीज से बचाती है, रोटा वायरस की देते हैं 5 ड्रॉप जो ओरली दी जाती है, और एक PCV देते हैं, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, ये देते हैं, ये 6 वीक पे देते हैं। अब यही 10 वीक पे कौन कौन सी देते हैं, तो 10 वीक पे OPV सेकेंड देते हैं, पेंटावेलेंट सेकेंड देते हैं, रोटा वायरस सेकेंड देते हैं, ये दी जाती है। 14 वीक पे OPV थर्ड देते हैं, फ्रिक्शन IPV ये सेकेंड टाइम देते हैं, पेंटावेलेंट थर्ड देते हैं, रोटा वायरस थर्ड देते हैं, PCV सेकेंड देते हैं, सेकेंड टाइम देते हैं, ठीक है। उसके बाद में 9 मंथ कंप्लीट होने पे मीजल्स की दी जाती है, 9 मंथ जैसे ही कंप्लीट होता है PCV की बूस्टर डोज दी जाती है, PCV की बूस्टर डोज विटामिन ए और मीजल्स की दी जाती है, यहाँ पे मीजल्स नहीं लिखा है, हाँ 9 मंथ से आगे नीचे लिखा होगा, ये इसके अंदर PCV बूस्टर और विटामिन ए दी जाती है 9 मंथ से 12 मंथ के अंदर अंदर फर्स्ट डोज मीजल्स की देते हैं, जापानीज एनसेफलाइटिस की देते हैं, जापानीज एनसेफलाइटिस और मीजल्स की, ठीक है जापानीज एनसेफलाइटिस और मीजल्स की फर्स्ट डोज दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट 16 से 24 मंथ होता है तब MR की सेकेंड डोज देते हैं, मीजल्स की सेकेंड डोज देते हैं, DPT बूस्टर फर्स्ट देते हैं, जापानीज एनसेफलाइटिस सेकेंड डोज देते हैं, OPV की भी बूस्टर डोज देते हैं, तो 16 पे इतनी वैक्सीन लगती है। चार उसके बाद में 16
से 5 ईयर, ये 5 ईयर में विटामिन ए की सेकंड डोज टू 9 डोज, ये हर 6 महीने से लगती है, 6 मंथ से, हर 6 मंथ से ये जो है विटामिन ए की डोज लगती है। और 2 लाख यूनिट देते हैं, 2 लाख यूनिट देते हैं, 2 लाख यूनिट यानी 2 ml, 2 ml देते हैं हर 6 महीने से। उसके बाद में 5 to 6 ईयर में DPT बूस्टर सेकंड लगती है, 5 to 6 ईयर में DPT बूस्टर सेकंड लगती है। उसके बाद में 10 ईयर में TT और 16 ईयर में, 16 साल का हो तभी भी TT की डोज लगती है। तो इन दोनों पे TT की डोज लगती है। तो थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए, ठीक है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो आने वाला एग्ज़ाम है, NHM का जो एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान ANM एंड GNM के लिए, उसमें इसमें से 100% 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो इसको अच्छे से याद कर लें। इसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ANM के लिए, तो खासकर GNM के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से 100% क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास को शेयर करें। थैंक यू सो मच।